पहले 70 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। अविनाश, बहुत संक्षेप में, BHEL आई थिंक इनका भी रेलवे के साथ बड़ा सरोकार है, सरकार के पास आगे कुछ कदम BHEL की स्थिति को सुधारने के लिए ये भी है कि शायद रेलवे के जो टेंडर्स उठते हैं उसमें थोड़ी सी प्राथमिकता वरीयता जो है BHEL को दी जा सकती है। एग्जैक्टली इस प्राइस पर BHEL पे आपका आउटलुक क्या अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे Q3 में आए थे, जिस प्रकार की ऑर्डर इनटेक यू नो का फ्लो आया था और जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री रिजल्ट के बाद आई थी, मुझे लग रहा है कि जो भी इम्प्रूवमेंट वीरेंद्र आएगा वो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ऑफ FY17 में आएगा। फोर्थ क्वार्टर भी मुझे लग रहा है काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। BHEL ने काफ़ी बड़ा घाटा थर्ड क्वार्टर में रिकॉर्ड किया था और अगर रेलवेज इनको थोड़ी बहुत रियायतें रेलवे ऑर्डर्स को देती है तो सेंटिमेंटल बूस्टर जरूर हो सकता है। ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि शेयर डेफिनेटली सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन बाद में अर्निंग्स को रिकवर होने में शायद 1-6 महीने का टाइम लग सकता है।